नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं राजू की मस्ती। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सोनाली का DI-750 सिकंदर का कस्टमर रिव्यू। तो मेरे साथ एक किसान भाई, इन्हीं का ये ट्रैक्टर है और इन्हीं की जुबान से सुनते हैं भाई इस ट्रैक्टर के बारे में। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी मौसम सारण, मेरे पिताजी का नाम है आदराम जी सारण। गाँव कौन सा है? गाँव न्योल की, तहसील पल्लू और जिला हनुमानगढ़। ओके ओके। तो अभी हम बात करेंगे आपके ट्रैक्टर की, DI-750 की 55 HP का ये ट्रैक्टर है। अगर मैं इस ट्रैक्टर की बात करूं तो ये ट्रैक्टर आपने कब लिया था? ये लिया था जी हमने 2022 में तीसरे महीने की 19 तारीख को। कितना टाइम हो गया? लगभग 2 साल हो गए क्या? हाँ, 2 साल दो साल हो गए लगभग। तो अभी तक आपका ये जो ट्रैक्टर है ये कितने घंटे चल चुका है? ये चल चुका है 2000 घंटे चल चुका है। 2000 घंटे चला। तो अगर मैं इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस है वो इसकी कैसी है 55 HP की कैटेगरी में? 55 HP का 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर है। ठीक है। इसके मुकाबले में, अन्य कंपनी के मुकाबले में ये ट्रैक्टर 55 HP में सबसे बेस्ट है। बेस्ट है? हाँ, सबसे बेस्ट लगा मेरे को, क्योंकि मैं 2012 से 750 ही चला। 2012 से, मतलब सोनालिका के आप बहुत लंबे कस्टमर हो। हाँ, 2012 की तीसरे महीने की 12 तारीख को मैंने लिया था 750। अच्छा। फिर वो सेल करके 2018 को 9वें महीने की 8 तारीख को फिर हमने लिया था 750 सिकंदर सीरीज। फिर ये आ गया डीलेक्स मल्टी स्पीड, फिर हमने ये ले लिया। तो यही क्यों लिया आपने, क्या खास बात है इसकी? बस यही। वैसे कुछ तो होगा आपको पसंद तो भाई, ये ट्रैक्टर अभी मैंने बताया भी 55 HP के अंदर है ना, इसके जितनी ताकत और इसके जितना डीजल से और किसी अन्य कंपनी के ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। अच्छा। और साथ में कंपनी ने ये यहाँ पर लिख रखा है, देखिए, हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस, मतलब माइलेज मास्टर। हाँ, तो मतलब ये हुआ इसका कि ये डीजल है वो सेव करता है। हाँ, डीजल भी सेव करता है और वैसे हैवी भी है, ऐसे नहीं है कि भी यहाँ से टूट गया, ये सेव हो गया, वैसे हो गया, कुछ भी नहीं। मजबूत है। हाँ, मजबूत है, फुल हैवी ट्रैक्टर है, फुल हैवी मशीनरी है, बिल्कुल है जैसे मैंने तो आप लो मेंटेनेंस है, यानी कोई खर्चा नहीं है, टाइम पे सर्विस कराओ और अन्य इसका कोई खर्चा नहीं। अच्छा। और साथ में आपने ये यहाँ पे लिख रखा है टोचन किंग, इसका क्या मतलब? ये तो भाई थोड़ा सा वैसे फन हम भी कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक्टर है। अच्छा, टोचन का शौक है आपको? हाँ, टोचन वैसे मेले वाले में जाते हैं। अच्छा। और अभी मैं इसके थोड़े से एक फीचर की बात करूंगा कि भी कंपनी ने स्पेशल इसके अंदर एक तो शटल कर दिया है, ठीक है, और एक ये हाई लो मीडियम दिया है इसको। ठीक है, तो हाई लो मीडियम का कोई फर्क है वैसे, कोई खिंचाई वगैरह में वैसे? हाँ जी, बिल्कुल फर्क है। जैसे आप कोई भी इम्प्लीमेंट चलाओ ना, जैसे कि 60 से 65 HP की जो इम्प्लीमेंट है ना, अच्छा, जैसे खींचने के मुकाबले में, तो वो ये आराम से चलाए क्योंकि मीडियम और लो के अंदर इसकी चाल है ना बिल्कुल इम्प्लीमेंट के हिसाब से मैच हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपने इस ट्रैक्टर को कौन से एम्प्लीमेंट के अंदर चलाकर टेस्ट किया है या देखा है आपने? इसको हमने ट्रॉली में भी चलाया है, ज़्यादा इसको हमने PTO के अंदर यूज किया। PTO के अंदर यूज किया है। PTO में वैसे क्या चलाते हो आप? PTO में जैसे मूंगफली की मशीन है। अच्छा। और डम्बा थ्रेसर भी है हमारे पास। अच्छा अच्छा। और ज्यादातर वैसे वाइमी में जैसे तोता पलाऊ हल हो गए, उसके अंदर भी ये ज्यादा चलता है। अच्छा अच्छा। यानी काम सभी करते हैं इसके सब अंदर। काम करते हो आप इस ट्रैक्टर से? घर का भी करते हैं और किराए के लिए भी करते हैं, ज्यादा इसको किराए के लिए भी लेकर आए थे। तो अगर हीरो की मैं बात करूं तो हीरो के अंदर ये 1 बीघे का कितना तेल लेता है? ये 1 बीघे का वैसे अगर बीघे के हिसाब करें तो 1 लीटर 300 ग्राम की एवरेज आएगी, और वैसे अगर घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 6-1 लीटर एवरेज। और तोते हल की बात करूं तो यही 1 लीटर 700 ग्राम लेगा। 1 लीटर 700 ग्राम के अंदर 1 बीघा कवर कर देगा। हाँ, आराम से। तो इसमें आपने ये छत भी लगा रखी है मॉडिफाई। हाँ, ठीक है, फाइबर वुड। पीछे काफी बड़ा म्यूजिक बॉक्स भी लगा रखा है। हाँ, ये तो भाई फिर ट्रैक्टर वैसे भी पूरा शौक के तौर पर रखते हैं। मैं बात यही भी है ना। हाँ, तो अगर ठीक है ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर कोई किसान भाई सोनाली का ट्रैक्टर लेना चाहे तो उनको आप आपकी तरफ से क्या सलाह दोगे? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि बिल्कुल एक तो ये लो मेंटेनेंस है, कोई भी इसका सर्विस के अलावा इसका कोई भी खर्चा नहीं है। अच्छा अच्छा। और वैसे भी रफ टफ ऑफ रोड कैसे भी चलाओ। हाँ, क्योंकि तो पूरा हैवी मजबूत ट्रैक्टर बना के दिए कंपनी ने। लगभग इसके अंदर 25 क्विंटल वेट है 55 HP के अंदर, 14 के टायरों में आता है ये, और बहुत वजनदार ट्रैक्टर है ये। अन्य कंपनियों के अगर ट्रैक्टर की हम बात करें तो उनमें क्या है, वेट कम होता है। हाँ, ठीक है, इसके अंदर है वो वेट ज्यादा है। हाँ, फुल वेट है इसके अंदर, और वैसे लेंथ भी काफी बड़ी है, तो आगे से उठता हाँ, भी नहीं है। ट्रॉली के अंदर आप कैसे भी कितना भी लोड दे दो, आगे से नहीं उठेगा। काफी अच्छा है ना। तो अभी तक आपको वैसे कोई दिक्कत वगैरह आई है? नहीं जी, ऐसे तो कोई भी मान लो कोई छोटे छोटे इशू तो आते ही रहते हैं कंपनी की तरफ, बाकी और वैसे कोई बड़ी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ये भी है, उनको ट्रैक्टर रोकना पड़ा या अच्छा अच्छा कोई भी दिक्कत नहीं है ये। तो
मैन मोटा मोटी बात यही है कि आप सोनालिका से संतुष्ट हो। हाँ भाई। अच्छा, तो अभी आपके ट्रैक्टर को हम चला कर देखने वाले हैं। हाँ जरूर चलाइए। ठीक है, तो आपके पास कौन से एलिमेंट है उसके अंदर चला कर देख सकते हैं? एलिमेंट आप सात तोते जोड़ लो इसके। सात तोते है? हाँ तो चलो अभी आपको सात तोतों के अंदर इस ट्रैक्टर को चला कर दिखाएंगे। तो अभी आपको सात तोता हल के अंदर है वो ट्रैक्टर को चला कर है वो दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप बिल्कुल स्लो रेस के अंदर ट्रैक्टर है वो आराम से चल रहा है। ये देखिए, ये देखो ट्रैक्टर को पता ही नहीं चल रहा है। गजब की खिंचाई है वो ट्रैक्टर कर रहा है, ताकत गजब की लगा रहा है। ट्रैक्टर का मैं आपको एक फीचर बताता हूँ। अब आप कह रहे थे ना 25 HP के इसके अंदर कितनी ताकत है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 0 RPM के ऊपर मान लो कि नॉर्मल RPM पे ट्रैक्टर साथ हल्के से खींचता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी है वो आप देख सकते हो ट्रैक्टर को है वो बिल्कुल स्लो रेस के अंदर है वो चला कर दिखाएंगे। और दोनों लीवर है वो नीचे डाल के फिर चलाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर है वो हमारा बंद नहीं होगा। ये देखो आप ट्रैक्टर है ये अपने आप चल रहा है। ये देखो आप दोनों लेवर डाल दिए लेकिन फिर भी ट्रैक्टर है वो बंद नहीं हो रहा है। ये देखो अपने आप चल रहा है। और इसकी अगर लिफ्ट सेंसिंग की भी बात करें तो भाई बहुत ही गजब की लिफ्ट सेंसिंग है, अपने आप है वो लिफ्ट को कंट्रोल करता है ये। ये देखो आप फ्रेम फुल फ्रेम है वो टिक गया है। ये देखो जो तोते हैं इनकी जो बॉडी है वो जमीन के टच हो चुके हैं। ये देखो आप 55 HP के अंदर इतनी रेस के अंदर इतने लगा कर ऐसे ट्रैक्टर चला दे, मान दूंगा कोई भी कंपनी का हो। ये बात है, क्या बात है जी। ये देखो भाई ट्रैक्टर धीरे धीरे स्लो रेस के अंदर वो चल रहा है। ये देखो क्या बात है जी, मेरे को तो बहुत ही गजब की मतलब ये ताकत है वो देखने को मिली है सोनालिका की। इसका फ्रेम देखो आप, ये देखो भाई क्या बात है, बिल्कुल स्लो रेस। ये देखिए आप, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और सोनालिका ट्रैक्टर के बारे में और अधिक जानकारी, साथ में अगर आप घर बैठे सोनालिका ट्रैक्टर के बारे में मतलब प्राइस वगैरह जानना चाहते हो तो मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। और भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जरूर बताना। सेशन पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के हैं और हमारे विचार और राय को नहीं दर्शाते, अनुभव विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं कि इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हो। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल नहीं है उन्हें कंपनी या उनसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता।